स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है, और यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति को प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वो भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि परिजनों को चाहिए कि वे सभी स्नान करके शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदनंतर उसके शरीर पे चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप करें। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मृत्यु स्थान पर, दूसरा द्वार पर, तीसरा चौराहे पर और चौथा विश्राम स्थान, पांचवा काष्ठ चयन और छठा अस्थि संचयन के समय। ये 6 पिंडदान के स्थान हैं। सभी बंधु बांधवों को शमशान भूमि में शव को ले जाना चाहिए तथा वहां शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके स्थापित करना चाहिए। दाह की क्रिया के लिए पुत्रादि परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति की योग्यता आ जाती है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड नहीं किए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भूमि पर अग्नि स्थापित कर क्रव्या देव की विधिवत पूजा करके शव को चिता में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए तो उस समय कर्ता तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भाव विहिल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। उस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को सचैल स्नान करना चाहिए तथा दक्षिणाभिमुख होकर मृत प्राणी के लिए तिलयुक्त जलाग्नि देनी चाहिए। शवदाह तथा तिलांजलि के बाद मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू और कफ का मृतक को पान करना पड़ता है। इसके बाद जीवन की क्षण भंगुरता की चर्चा करते हुए घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे चले। घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काट कर आचमन करें, बाद में घर में प्रवेश करें। पुत्र पौत्रादि तथा संगोत्री परिजन 10 रात्रियों का अशौच मनावे। इस अशौच काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर ही सोएं, अपना आसन अलग रखना चाहिए तथा किसी को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। इस काल में दान, अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। अंग मर्दन और सिर धोना भी छोड़ देवे। अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके बाद दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा गया है, जो मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। दशगात्र की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। इसके बाद पति के मरने पर स्त्री के कर्तव्य की बात बताई गई है, जिसमें चिता पर पति का अनुगमन करने पर सती धर्म को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ रहित हैं
और जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं उनको सती धर्म का पालन करना चाहिए। अपमृत्यु का निवारण। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, हिंसक प्राणियों के द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाता है, जो सर्प तथा जंगली हिंसक पशु वृक्षपात विद्युतपात लोहे से पृथ्वी पर गिरने से दीवार के गिरने से खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्राघात से विषैले कुत्ते के मुख को स्पर्श करने से तथा शास्त्र विधि से रहित जो मृत्यु हो जाती है उसे दुर्मरण समझना चाहिए। इस स्थिति में नारायण बलि किए जाने पर अर्धदैविक कर्म की योग्यता आती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि एकादशाह के दिन करना चाहिए। नारायण बलि की विधि का यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है। नारायण बलि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नारायण बलि से मृत व्यक्ति का नरलोक से उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रवास में मृत्यु होने पर या सर्पदंश आदि से मृत्यु होने पर पुत्तल दाह की विधि का निरूपण किया गया है। इसके अनंतर रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है ये भी बताया गया है। पंचक में मृत्यु प्राप्त के कृत्य। पंचक में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि भगवान के द्वारा गरुड़ जी को बताई गई है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठता नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र का समय पंचक काल कहलाता है। इसको सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमें मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनों के लिए ये कष्टप्रद होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार चार पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे, तदनंतर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करना चाहिए। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल गौ स्वर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन पादुका छत्र स्वर्ण मुद्रा और वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है। मलिन षोडशी के बाद मध्य षोडशी की विधि का वर्णन किया गया है। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा पांच देव श्राद्ध इस प्रकार षोडश श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्य षोडशी है। ये कृत्य एकादशाह को किया जाता है। इसी दिन वहीं पर वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वर्षोत्सर्ग नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती, अतः स्वजन के मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। चार बच्चियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथा विधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण को कुश या चावल के चून से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्ध के दिन करना उचित है। इस दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर सैया गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। इसके बाद भगवान तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन करते हैं। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड ऊनमासिक त्रिपाक्षिक ऊनषाढ़मासिक एवं ऊनाब्धिक इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी कहा जाता है। गरुड़ के पूछने पर भगवान ने कहा, हे खगराज, जब मनुष्य के मरने के बाद एक वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है, इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण अवश्य करना चाहिए। वर्ष के अंत में
पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने के बाद प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु होने पर यदि सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्र से अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मिलन नहीं हो जाता। पिंड मिलन होने पर प्रेत शब्द का निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु नष्ट प्राय है और शरीर नाशवान है। इस कारण द्वादशा ही इस कर्म के लिए प्रशस्त समय माना गया है। अतः क्रिया करने वाले पुत्र को द्वादशाह को ही सपिंडीकरण करना चाहिए। तत्वदृष्टा ऋषियों ने सपिंडीकरण के लिए द्वादशाह त्रिपक्ष छठा मास अथवा वार्षिक तिथि को कहा है। सपिंडीकरण के पूर्व उत्तम षोडशी होना आवश्यक है, क्योंकि 12वें दिन ही प्रायः सपिंडीकरण करना लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए उत्तम षोडशी श्राद्ध एकादशा या द्वादशाह को ही कर देना चाहिए। सपिंडीकरण करने के बाद भी 12 महीने तक षोडश श्राद्ध एकोदृष्ट विधि से नियमानुसार करना चाहिए। हे खगराज, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात दशगात्र के पिंडदान से पुनः शरीर उत्पन्न होता है। 10वें पिंड से शरीर बन जाने पर प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। एकादशा तथा द्वादशा इन दो दिनों में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मृतक के लिए आनंददायक होता है। सपिंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाए वो नाम गोत्र का उच्चारण करके पितृ निमित्त करना चाहिए। भोजन तथा घटादि का दान, पददान, सैयादान एवं अन्य जो भी दान है उन्हें मृत प्राणी के निमित्त एक को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। पिंडदान के पश्चात यथाशक्ति उपयोगी समस्त सामग्री दान में दें। ऐसा होने पर ये दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को चला जाता है। प्रेत के द्वादशाह संस्कार के अवसर पर जलपूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन जल से भरे 12 घंटों का संकल्प करके दान करें। उसी दिन वो पकाग्न और फल से परिपूर्ण एक वर्धनी भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सचरित्र ब्राह्मण को प्रदान करें। तदनंतर एक वर्धनी पकान्न तथा फल धर्मराज को भी समर्पित करें। उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी चित्रगुप्त के लिए भी दान में देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। दान में एक सैया एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। एक गौ, एक ग्रह, एक सैया और एक स्त्री का दान बहुतों के लिए नहीं होता। विभाजित करके दिए गए दान दाता को पाप की कोटि में गिरा देते हैं। आत्मा ही पुत्र का नाम है, वही पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है। घोर नरक से वही पिता का उद्धार करता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वो अतिवाहिक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दिए गए उन भोगों का सुख प्राप्त करता है। सैयादान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये जीवन अनित्य है। जब तक जीवन है तभी तक अपने बंधु बांधव हैं। मृत्यु हो जाने पर वो मर गया है ऐसा जानकर क्षण भर में ही अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं। आत्मा ही अपना बंधु है ऐसा बारंबार विचार कर अपने जीते जी ही हित का कार्य कर लेना चाहिए। इसके अनंतर गरुड़ ने प्रेतों के संबंध में इस प्रकार जिज्ञासा की, भगवान प्रेत के अनेक रूप किस प्रकार के होते हैं? वे कौन कौन से कर्म के द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ दान से प्राणी प्रेत योनि से छूट जाता है? इन सब का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, जो पुनर्जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं, तथा जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, विद्या और सदाचार से जो विहीन है वो भी निसंदेह प्रेत ही होते हैं। इसके साथ ही भी कई और कारण विस्तार से बताए गए हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था, प्रेत के लक्षण बताते हुए
वभ्रुवाहन नाम के एक राजा की कथा सुनाई। इस राजा को किसी प्रेत का साक्षात्कार हुआ तथा उससे वार्तालाप भी हुआ। राजा से प्रेत ने बताया कि मृत्यु पर्यंत उसके आर्धदैहिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि योनि से मुक्त कराने के लिए राजा से प्रार्थना की। राजा के पूछने पर उस प्रेत ने प्रेत योनि मिलने के कारण तथा इस योनि से मुक्ति के उपाय भी बताए। नरक में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण आर्धदैहिक क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। इसके पुण्य से वो प्रेत बंधन विमुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान श्री हरि ने किया है। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले हैं वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं वे कंधों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय से हीन है, ये पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असी पत्रवन में जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने एक पुण्यशाली इतिहास का वर्णन किया जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से कहा था। इसके अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ ने धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मण की कथा सुनाई तथा उसके पुनर्जन्म का एक शिक्षाप्रद कथानक भी प्रस्तुत किया, जिसमें लोमश ऋषि और वैश्य का संवाद है। ऋषि ने कहा, हे वैश्वर, ये मन अत्यंत बलवान है और नित्य ही विकार युक्त स्वभाव वाला है, तथापि जिस प्रकार पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेते हैं, वैसे ही सत्य संगति से आलस्य रहित होकर साधन करने से, तीव्र भक्ति योग से तथा सद्विचार के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में नारद के पुनर्जन्म के जीवन वृत्त से जुड़ी हुई कथा भी ऋषि ने सुनाई, जिसका आशय था कि सत्य संगति तथा भगवत भक्ति से विशुद्ध निर्मल और शांत स्वभाव वाला मन सुखी हो जाता है। साधु संगति होने पर अनेक जन्मों में किया हुआ पाप भी शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार शरत काल के आने पर वर्षा समाप्त हो जाती है। तदनंतर श्री कृष्ण ने सप्त संतक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा सुनाई, जिसमें सत्य संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मणों का उद्धार हो गया। श्राद्ध करने के अधिकारी। गरुड़ के पूछने पर आर्वदैहिक क्रिया के अधिकारी का वर्णन भगवान ने प्रस्तुत किया। मृत प्राणी का आर्वदैहिक कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंड या जाति के लोग भी कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में समानोदक संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से संतुष्ट हो जाते हैं वे श्राद्धकर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। जीवित श्राद्ध का विधान। गरुड़ के ये पूछने पर कि हे देव, यदि उपयुक्त अधिकारियों में से एक भी ना हो तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, यदि कोई अधिकारी व्यक्ति ना हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध करना चाहिए। जीवित श्राद्ध की विधि पृष्ठ 408 में प्रस्तुत की गई है। गरुड़ की जिज्ञासा करने पर भगवान ने कहा, श्राद्ध के द्वारा प्रेत को जिस प्रकार तृप्ति होती है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण के रूप में प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न नाग योनि में वायु रूप में, पक्षी होने पर फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष रूप से में बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानव की योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पादादि,
बाल योनि के लिए भोगरस हो जाता है।